बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। रिग्रेशन एंड कोरिलेशन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 27 और 28, इन पर हम बात करेंगे। 28 को पहले देखते हैं। यहाँ कह रहे हैं कंप्यूट एंड इंटरप्रेट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई, तो एक्स वेरिएबल जो है वो टेम्परेचर, जबकि वाई वेरिएबल सेल्स को डिनोट करता है। हमें इसकी इतनी जरूरत नहीं है, मेन चीज हमारी यह है कि नीचे जो सम्स दिए हैं हमें, ये सम्स पर आप गौर कीजिए। इसी तरह के सम्स हमें रिग्रेशन के सेक्शन में भी क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर दिए गए थे। ठीक है, तो अब ये उसी तरह की दोबारा चीज आ रही है। तो जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 12 में स्टार्ट लिया था काम का, इसमें भी ऐसी नाम ऐसे स्टार्ट लेंगे। लेकिन मैं इसमें एक नई बात ये बताना चाहूंगा कि देखिए ये सम्स है ना हमारे पास, इसको ये ब्रैकेट के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है इसको आप एक तो यूं पढ़ सकते हैं कि दिस इज एक्स माइनस 17। लेकिन अब हम इसको नया नाम से पढ़ेंगे, इस ब्रैकेट के अंदर लिखी इस सारी चीज को हम यूं पढ़ेंगे, दिस इज ये दोनों चीजें मिलकर कहलाएंगी डेविएशन ऑफ एक्स फ्रॉम 17। और इसको आप पढ़ेंगे स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स फ्रॉम 17। माइनस करने का अमल डेविएशन कहलाता है। इसी तरह से इसको आप पढ़ेंगे दिस इज डेविएशन ऑफ वाई फ्रॉम 15, और ये पढ़ेंगे आप स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ वाई फ्रॉम 15। यानी ये क्वेश्चन अब हम इसको नाम यू देंगे कि ये क्वेश्चन हमारा डेविएशन की फॉर्म में है। हमें जो जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो एक्स और वाई की डेविएशन की फॉर्म में दी गई है। तो जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर ये जो ब्रैकेट के अंदर चीज दिखी थी, इस सारी चीज को नाम दिया था डी एक्स का, तो वहां पर था एक्स माइनस 90। तो हमने शुरू में स्टार्ट किया था कि लेट एक्स माइनस 90 इक्वल टू डी एक्स, लेकिन अभी क्योंकि ये एक्स माइनस 17 है तो एक्स में से माइनस होने वाला जो ये न्यूमेरिकल चीज है ये बदलती है, कभी 90 होगी, कभी 17, कभी 40, ये कुछ भी हो सकती है। यानी 17 कोई भी नंबर हो, यहां पर 17 की जगह आप जो भी होगा उसको आपने डी एक्स का नाम देना है। तो अब मैंने ऐसे ही किया है, मैं यहां सॉल्यूशन दिखाता हूं आपको। मैंने ये किया है, जब सॉल्यूशन में आया तो मैंने किया लेट एक्स माइनस 17 इक्वल टू डी एक्स, और जो दूसरा है वाई, वाई के लिए क्या आया जी, वाई माइनस 15। यहां पर वाई माइनस 15 का स्क्वायर भी है, लेकिन आपने सिर्फ वाई माइनस 15 को और एक्स माइनस 17 को नाम देना है। इनके नाम ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, अभी आप देखेंगे कि इनके नाम खुद हो जाएंगे, लेकिन नाम याद से कि हमने समेशन जिस चीज पर अप्लाई हो रही है इसको नाम देना है, समेशन को शामिल नहीं कर रहा नाम में। मैंने सिर्फ x माइनस 17 को नाम दिया है, यहां मैंने साथ में समेशन का यूज नहीं किया, वो समेशन हम बाद में ये देखेंगे इधर। तो आपने ब्रैकेट के अंदर एक्स माइनस 17 जो था उसको डी एक्स, और ब्रैकेट के अंदर y माइनस 15 को dy का नाम देना है। अब ये जो सम्स आपको दिए गए थे, ये सारे सम्स मैंने दोबारा लिखे हैं यहां पर। ये सम्स तो x माइनस 17 इक्वल टू माइनस 2, ये जो है ये सारे के सारे वही हैं जो बुक में दिए गए हैं। लेकिन अब ये जो नाम थे इनको मैंने अब dx के हिसाब से कन्वर्ट किया है। कैसे जी, ये x माइनस 17 है लेकिन समेशन है, तो हमने x माइनस 17 को dx का नाम दिया हुआ है। तो लिहाजा अब आप x माइनस 17 dx यहां पुट करेंगे तो ये चीज बन जाएगी समेशन, और यहां से आएगा dx, इसलिए दिस इज इक्वल टू समेशन dx। यहां पर है x माइनस 17 का स्क्वायर, तो x माइनस 17 इसका नाम है dx, तो dx यहां पुट होगा इस सारे की जगह, तो dx का हो जाएगा स्क्वायर, तो हो जाएगी समेशन dx स्क्वायर, इसीलिए ये दिस इज इक्वल टू समेशन dx स्क्वायर। इसी तरह से जी y माइनस 15 है, तो ये y माइनस 15 का स्क्वायर है, तो हमने y माइनस 15 को नाम दिया हुआ है dy का, तो dy जो है ये इधर भी पुट होगी और इधर भी पुट होगी, तो इधर तो क्योंकि स्क्वायर नहीं है तो सिर्फ ये हो जाएगी समेशन dy, और यहां पर हो जाएगी समेशन dy का स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर मौजूद है। इसी तरह से ये नीचे का सम था x माइनस 17 इंटू वाई माइनस 15, तो x माइनस 17 का dx नाम यहां आ जाएगा और y माइनस 15 का नाम dy यहां आ जाएगा, तो ये बन जाएगा समेशन dx dy। n हमें 30 दी भी है, आप r का ये फॉर्मूला यूज करेंगे जी, बिल्कुल रिग्रेशन की तरह
जी का काम है इसमें कि हमने एक क्वेश्चन के अंदर ये देखिए आर का ये जो फार्मूला हम देखते रहते हैं, पहले एक काम में दिखा रहा हूं, ये फार्मूला आपको याद होगा, इसी फार्मूला में आपने एक्स को डी एक्स वाई को डी वाई बना देना है थ्रू आउट, ऐसे ही किया गया है सारे में एक्स को डी एक्स और वाई को डी वाई करके। तो अब इस फार्मूला में ये जो सम है ये आपका दिस इज 464, ये 464 यहां पुट हो जाएगा, समेशन डी एक्स वो ऊपर लिखी हुई है जी, दिस इज माइनस 2 यहां पुट हो जाएगी, समेशन डी वाई माइनस 48 पुट हो जाएगी, और नीचे के सम्स भी आपके ये नाम दिए हैं ये सारी। अब आपने ये करना है कि ये साइड यूज करनी है, इनको यूज करके यहां पुट करना है और आर का आंसर मालूम कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 27 जो है वो भी इसी जैसा है, लेकिन इधर आप देखिए इसमें यहां पर हमें दिया हुआ है सम ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स सीरीज, तो सम ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स सीरीज ये सम का हो गया, ये आ गया जी सम और डेविएशन ऑफ एक्स, तो डेविएशन ऑफ एक्स है लिहाजा डी एक्स, डी फॉर डेविएशन एक्स। अब ये डेविएशन अभी इससे पहले क्वेश्चन में मैंने पढ़ा था, ये पढ़ा था डेविएशन ऑफ एक्स फ्रॉम 17, तो हमें यहां पर ये बताया नहीं गया है कि ये क्या ये डेविएशन ऑफ एक्स जो है वो फ्रॉम 17 है 90 है या डेविएशन ऑफ एक्स फ्रॉम मीन है, ये नहीं बताया गया। तो जिस क्वेश्चन में सिर्फ ये कहा जाए सम ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स सीरीज, लेकिन ये ना बताया जाए कि डेविएशन ऑफ एक्स किसी नंबर में से है या डेविएशन ऑफ एक्स फ्रॉम मीन है, क्योंकि हमने एक क्वेश्चन में डेविएशन ऑफ एक्स फ्रॉम मीन भी पढ़ा है, तो यहां ये बताया नहीं गया है कि ये जो डेविएशन है, अब नीचे भी सम ऑफ डेविएशन ऑफ वाई सीरीज ये भी नहीं बताया गया कि ये डेविएशन ऑफ वाई सीरीज फ्रॉम 17 है फ्रॉम 19 है या कोई और नंबर है या फ्रॉम इट्स मीन यानी वाई बार से है, ये नहीं बताया गया। तो ऐसे क्वेश्चन में आपने सम ऑफ डेविएशन ऑफ वाई को ये नाम देना है, दिस इज सम ऑफ डेविएशन ऑफ वाई। तो ये हमें 4 और 5 बताई गई थी, 4 और 5 है तो ये अपनी जगह पर 4 5 आ गए। उसके बाद है जी सम ऑफ स्क्वायर ऑफ सम स्क्वायर और डेविएशन ऑफ एक्स, लिहाजा ये हो जाएगा सम स्क्वायर डेविएशन ऑफ एक्स, तो ये नाम आपको देना है, दिस इज 40 क्योंकि ये 40 के इक्वल है। फिर जी सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ वाई सीरीज फ्रॉम 50, तो सम स्क्वायर डेविएशन ऑफ एक्स, तो ये सम स्क्वायर डेविएशन ऑफ वाई थी, तो डेविएशन ऑफ वाई इक्वल टू 50। नीचे है जी सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स सीरीज एंड वाई सीरीज, तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स एंड डेविएशन ऑफ वाई, दिस इज सम ऑफ ये प्रोडक्ट हो रहा है जी, दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही है, क्या मल्टीप्लाई हो रही है, दिस इज डेविएशन ऑफ एक्स और डेविएशन ऑफ वाई, इसको पढ़ेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स एंड डेविएशन ऑफ वाई इक्वल टू 32 आपको बताई गई थी। फिर नीचे है जी नंबर ऑफ पेयर, तो ये तो हो गया एन, ये एन है हमारा। इस क्वेश्चन में भी फार्मूला आपका यही यूज होगा जो अभी इससे पहले क्वेश्चन में हमने ये लिखा है जी, ये इससे पहले क्वेश्चन का फार्मूला है, यही फार्मूला आपने ये सारी डी एक्स डी वाई और ये सारे जो है सारे की सारी चीजें आपने यहां पुट करनी है और आर का आंसर मालूम करना है। ओके अल्लाह हाफिज़।